हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं आप सभी के बीच ड्रिल के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा। ये देख रहे हैं गन की तरह ड्रिल है, दोनों हाथ से पकड़ने वाला जो है ये ड्रिल दिया हुआ है। देख रहे हैं कैसे इसको जो है नीचे जो है पीकोसी में ड्रिल किया जा रहा है। ये जो है रूम का मटेरियल यहाँ पे ला करके रखा गया है, रूम बनाया जाएगा, इससे नया रूम का जो है काम शुरू है। ये देख रहे हैं पाइप इधर रखा गया है, इसी पाइप से जो है रूम बनाया जाएगा। इधर देखिए एक प्लेटा में जो है चार होल किया गया है, चार में जो है एक होल को कर दिए वो, और जो है बोल्ट को भी फंसा दिए, फास्टनर बोल्ट है। देख रहे हैं वो जो है एक बार अंदर डाल दें तो फिर ऊपर आ नहीं सकता है, इसीलिए जो है उसी बोल्ट को यूज कर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है होल कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे गन की तरह दोनों हाथों से पकड़ के उसके बाद में जो है इसको होल कर रहे हैं। देखिए जो है ये भी होल हो गया, बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो है रूम को खड़ा करने के लिए। देख रहे हैं कैसे इसको जो है बोल्ट को लगा रहे हैं, बोल्ट को लगा करके इसको ठोक देना है। ऊपर जो है थ्रेड है, ऊपर से जो है इसको ठोक देंगे, उसके बाद में जो है इसको बोल्ट को टाइट करेंगे, ऑटोमेटिक प्लेट पूरा फिक्स और फिक्स टाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसको जो है पूरा जो है फिट कर दिए उसको अंदर। देखिए तीसरा होल कर रहे हैं इसमें, देख रहे हैं कैसे तीसरा भी होल हो ही चुका है, ज़्यादा बाकी नहीं है। देख रहे हैं तीसरा भी होल हो गया, अब जो है चौथा होल कर रहे हैं। देखिए अब जो है तीसरा होल में भी बोल्ट जो है डाल रहे हैं, देखिए कैसे उसको जो है बोल्ट को डाल दिए। देख रहे हैं कैसे उसको ठोक रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेक्निक है रूम को बनाने के लिए। नीचे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पाइप वाइप डाल करके ढलाई करने का। देख रहे हैं इसको जो है चौथा भी होल कर दिए, ऐसा ही छः प्लेटा को जो है पूरा होल कर करके इसको जो है फिट कर देंगे, उसी के द्वारा जो है रूम पूरा खड़ी हो जाएगी। उस पर जो है इसी प्लेटा पे इस पाइप को जो है डाल करके इस रूम को खड़ा किया जाएगा। देख रहे हैं ये जो है पाइप आ कर के रखा गया है, चरखूटा पाइप ला कर के रखा गया है यहाँ पे। देखिए दूसरा जो है अथी प्लेटा पे होल कर रहे हैं, ये देख रहे हैं इधर वेल्डिंग मशीन आया है, ड्रिल छोटा वाला आया है, इधर ग्राइंडर आया हुआ है, सब मशीनें लेकर के आए हुए हैं। ये देखिए जो है फास्टनर बोर्ड जो आप सभी को दिखा रहा था यही है। देख रहे हैं कैसे इसमें लॉक टाइप का दिया हुआ है, देख रहे हैं कैसे इसको जो है लॉक लगाना है। देख रहे हैं इसको नीचे जब ठोक देंगे इसको तो ऑटोमेटिक इसका मुंह जो है फैल जाएगा, ऊपर आएगा नहीं जल्दी। देख रहे हैं ऊपर से जो है थ्रेड भी दिया है, जब ठोक के उसका बोल्ट को टाइट करेंगे ऑटोमेटिक पूरा फिट पकड़ लेगा। देख रहे हैं कैसे लग रहा है एसएस का बोल्ट है, पूरा व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है, पूरा डब्बे ही आया है। तो अगर ऐसा ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से कोई अगला ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय बाय।